नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार में टीचर बनने का सपना देखने वाले लोगों के लिए यह काफी काम की और अच्छी खबर है। यह बिहार बोर्ड की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि विशेष विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही इस परीक्षा में कुछ नए सब्जेक्ट को शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है। दरअसल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बुधवार को बिहार बोर्ड को पत्र लिखा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत को लेकर एक बार फिर जहर उगला है। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने को लेकर अमेरिका की चेतावनी के बाद भारत के रुख में बदलाव आया है। भारतीय पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उन्हें लगता है कि जब से अमेरिका ने पन्नू की कथित हत्या को साजिश में भारतीय नागरिक का हाथ होने को लेकर भारत को चेताया है, तब से भारत और कनाडा के संबंधों में थोड़ी नरमी आई है और भारत के सुर बदले हैं। राज्य के 7 विश्वविद्यालयों को नए कुलपति जल्द मिलेंगे। राजभवन की ओर से गठित सर्च कमेटी द्वारा कुलपति पद के योग्य अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सर्च कमेटी ने योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार ले लिया है और चयनित अभ्यर्थियों के पैनल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुलपति पद के लिए जिन नामों का चयन हो गया है उनसे संबंधित जाँच रिपोर्ट आ गई है। जाँच 2 स्तर पर कराई जाती है। जो चयनित होते हैं उनसे संबंधित जानकारी उनके विश्वविद्यालयों से मांगी जाती है कि उनके कार्यकाल में उन पर कोई केस तो नहीं दर्ज हुआ है, कोई आरोप तो नहीं लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा राजमार्ग टोल प्लाजा को अगले साल मार्च में जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन प्रणाली से बदलने समेत कई तकनीकी पेश करेगी। इसका उद्देश्य यातायात के दबाव को कम करना और वाहन चालकों से राजमार्ग की सटीक दूरी का शुल्क वसूलना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक समारोह में कहा कि हम अगले साल मार्च में देश भर में जीपीएस सैटेलाइट टोल कलेक्शन शुरू करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने वाहनों को रोके बिना स्वचालित टोल कलेक्शन के लिए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली की 2 पायलट परियोजनाएं शुरू की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए 2,260 सिपाहियों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में प्रमोशन दिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक कल्याण विभाग ने यह नोटिफिकेशन बुधवार को जारी किया है। पुलिसकर्मियों को एक न्यायिक शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का विभागीय कार्यवाही संचालित या लंबित नहीं है और कोई दंडादेश प्रभावी नहीं है। साथ ही उनके विरुद्ध निगरानी, आपराधिक, फौजदार अथवा अन्य न्यायिक वाद लंबित तो नहीं है। भारत के दवा नियामक DCGI ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी और खांसी के कफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए चेतावनी जारी की है। DCGI ने 18 दिसंबर को सभी राज्यों को एक लेटर लिखकर 2 दवाओं क्लोरफेनिडामाइन मैलेट और फिनाइल फ्राइन के कॉकलेट का उपयोग करके बनाए गए सिरप की पैकेजिंग पर लेबलिंग इसी के मुताबिक करने को कहा है। दरअसल इन दोनों दवाओं के मिश्रण से तैयार किए गए सिरप या गोलियों का इस्तेमाल सामान्य सर्दी के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ने डराना शुरू कर दिया है। देश में फिर से कोरोना के नए मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में बिहार का स्वास्थ्य महकमा भी तैयार है और काफी हद तक तैयारी भी कर ली गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिला के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक कर अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया है। गौरतलब है कि प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला और मंडलीय अस्पताल में 132 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं। गुरुवार 21 दिसंबर 2023 को भी देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट कर दिया है। यह रेट वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तय किया गया है। वर्तमान में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। गुड रिटर्न्स की वेबसाइट के अनुसार क्रूड ऑयल $73.64 प्रति बैरल और WTI क्रूड $73.69 प्रति बैरल है। आपको बता दें कि एक बैरल में लगभग 158 लीटर तेल होता है। प्राथमिक स्कूलों में बेंच डेस्क की कमी दूर की जाएगी। 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों से बेंच डेस्क को प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्राचार्य को पत्र लिखकर आदेश दिया है। राज्य के 40% माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकित छात्रों की तुलना में बेंच डेस्क की संख्या ज्यादा है। विभाग की ओर से किए गए स्कूल निरीक्षण में यह बात सामने आई। जिन स्कूलों में बेंच डेस्क की संख्या ज्यादा है उन स्कूलों से बेंच डेस्क को प्राथमिक और मध्य विद्यालय में भेजा जाना है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर देश की चिंता में डाल दिया है। अब तक कुल 21 नए मामले आ चुके हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य समिति के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि भारत के 3 राज्यों में तेजी से फैल रहा है जिसमें गोवा, केरल और महाराष्ट्र शामिल है। 21 मामलों में से 19 गोवा में और 1-1 केरल और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। फिलहाल वैज्ञानिक इस स्ट्रेन की बारीकी से जाँच कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी गहरी होती जा रही है। ब्लिंकन ने कहा कि हमने भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहरा किया है। हमने क्वाड के माध्यम से भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाया है। बता दें क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक राजनयिक नेटवर्क है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत इस बात पर कायम है कि ग्लोबल साउथ को टिकाऊ और हरित विकास के लिए जलवायु, वित्त और प्रौद्योगिकी आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने G20 पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक हरित और सतत विकास एजेंडा शीर्षक से नीति आयोग की रिपोर्ट लॉन्च की। वहीं भारत में ब्राजील के राजदूत महामहिम केनेथ फेलिक्स हजिंस्की दा नोबेगा ने लॉन्च के बाद पैनल चर्चा में भाग लिया।
अगर आप इस विषय के साथ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री रखते हैं तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पाने का एक बेहतरीन मौका है। NTRO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 21 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2024 से NTRO के इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 74 साइंटिस्ट बी के पदों पर बहाली की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में भारत थाई समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने और दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए भारतीय युद्धपोत INS कदम्ब मंगलवार को थाईलैंड के बैंकॉक बंदरगाह पर पहुंचा। मंत्रालय ने कहा कि 7 जनवरी 2016 को कमीशन किए गए इस जहाज ने मित्र देशों के साथ कई संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों में भाग लिया है, क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान दिया और समुद्री संबंधों को बढ़ावा दिया है। यदि किसी देश में भारतीय वकील या लॉ फर्म को वकालत करने में परेशान रोका जाता है तो उस देश के वकील या लॉ फर्म को भारत में वकालत नहीं करने दिया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बारे में भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों को हवाला देकर लोकसभा में यह जानकारी दी है। PCI ने इसी साल 10 मार्च को भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियम 2022 अधिसूचित किया था। सांसदों के सस्पेंशन के हंगामे के बीच बुधवार 20 दिसंबर को लोकसभा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण बिल पास हो गया। हंगामे और शोर शराबे के बीच लोकसभा में देश के 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को निरस्त कर नया कानून बनाने के लिए लाए गए दूरसंचार विधेयक 2023 को लोकसभा ने बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें प्रशासनिक तरीकों से उपग्रह संचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन का प्रस्ताव है। पहाड़ी राज्यों में एक ओर जहां हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है, वहीं उत्तर भारत के कई स्थानों पर घना कोहरा पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तर पश्चिम राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बिहार में न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी यूपी, दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच है। साल 2023 समाप्त होने में अब चंद दिन बचे हुए हैं। इस साल अब मुश्किल से 5 से 6 दिन का कारोबार बचा हुआ है, उसके बाद कैलेंडर पर नए साल की शुरुआत हो जाएगी। यह कैलेंडर वर्ष शेयर बाजार के लिए अब तक शानदार साबित हुआ है। इस दौरान शेयर बाजार में निवेशकों को खूब कमाई हुई है। एक रिपोर्ट बताती है कि 2023 में अब तक 82% शेयरों ने निवेशकों को कमाई कराई है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल को एक और करारा झटका लगा है। कंपनी पर अमेरिका की एक अदालत ने करीब $70 करोड़ का जुर्माना लगा है। इसमें से $63 करोड़ 10 करोड़ लोगों को बांटे जाएंगे और $7 करोड़ एक फंड में जमा होंगे। कंपनी पर एंड्रॉइड प्ले स्टोर का गलत इस्तेमाल कर यूजर से ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप लगा था। भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान को लेकर एक और डील पर मुहर लग सकती है। फ्रांस ने रक्षा मंत्रालय को 26 समुद्र राफेल जेट और उससे संबंधित उपकरणों के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए के सौदे को शीघ्र अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपनी बोली सौंप दी है। सूत्रों ने कहा है कि फ्रांस से विस्तृत स्वीकृति पत्र, ऑफर मूल्य और अन्य विवरणों के साथ बुधवार को प्रस्तुत कर दिया गया। भारत ने अक्टूबर के मध्य में इसके लिए टेंडर जारी किया था। पूरी दुनिया में ब्याज दरों और महंगाई का उच्च स्तर अगले कुछ महीने तक ऊपर बने रहने की उम्मीद है। इस बीच उच्च महंगाई के मामले में शीर्ष देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार रूस व दक्षिण अफ्रीका महंगाई में सबसे अधिक प्रभावित है। रूस में महंगाई दर 7.5% व दक्षिण अफ्रीका में 5.9% है। तीसरे स्थान पर काबिज भारत में नवंबर में महंगाई दर 5.6% रही है। सहारा समूह के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए मोदी सरकार को 5,000 करोड़ रुपए मिले हैं। पोर्टल के जरिए निवेशकों ने सहारा की सहकारी समितियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपए वापस लेने की मांग की है, जबकि सहारा समूह में 9.88 करोड़ निवेशकों 86,673 करोड़ रुपए फंसे हैं। मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से और पैसा मांगने के लिए गुहार लगाएगी। RBI ने बुधवार को बैंकों व अन्य संस्थानों के स्तर पर कार्ड ऑन फाइल टोकन सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से ग्राहक अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का टोकन बनाकर उसे विभिन्न ई कॉमर्स ऐप के खातों से जोड़ सकेंगे। साथ ही कार्ड का वास्तविक विवरण दिए बिना ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। व्यवस्था लागू होने से डाटा चोरी व वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव हो सकेगा। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहकों को UPI QR कोड से सीधे अपना अंशदान जमा करने की अनुमति दे दी। पाकिस्तान पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। उन्होंने देश की गंभीर आर्थिक स्थिति को इशारा करते हुए कहा, हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए हैं लेकिन अब हम तक जमीन से उड़ भी नहीं पाए हैं। यह इस तरह से नहीं चल सकता। हम अपने पतन के लिए खुद जिम्मेदार रहे हैं, अन्यथा यह देश एक अलग जगह पर पहुंच गया होता। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास के देश चांद पर पहुंच गए हैं लेकिन पाकिस्तान अब भी जमीन से नहीं उठा है। घरेलू शेयर बाजारों के नकारात्मक रुख और विदेशी कोषों का निरंतर निकासी के बीच बृहस्पतिवार को रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की गिरावट के साथ 83.22 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 83.19 प्रति डॉलर पर खुला और बाद में गिरकर 83.24 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि थोड़ी देर में 83.22 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से ही 4 पैसे की गिरावट है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अफगानिस्तान के लोगों की समस्याएं और भारत को उसके प्रति प्रतिबद्धता को संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा। कंबोज ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अफगानिस्तान की स्थिति पर जानकारी देते हुए यह कहा, अफगानिस्तान के एक करीबी पड़ोसी के रूप में, वहां के लोगों के मित्र के रूप में और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी रखने वाले एक देश के रूप में मुझे परिषद के समक्ष निम्नलिखित टिप्पणियां रखने की अनुमति दें। आगामी साल चुनावी साल होगा, जिसकी वजह से हर साल की तरह 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला पूर्ण बजट नहीं होगा, बल्कि लेखानुदान पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में लेखानुदान पेश कर सकती है। देशवासियों से लेकर कारोबारियों और सैलरीड क्लास के लोगों के इस लेखानुदान से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि लेखानुदान नई सरकार के गठन तक सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए पेश किया जाता है, इसमें कोई बड़ा ऐलान नहीं किया जाता। फिर भी चुनावी साल होने की वजह से लोगों को लोकल लुभावन घोषणाओं का इंतजार है। भारतीय मूल की बोधना शिवानंद ने इंग्लैंड में इतिहास रच दिया है। इस युवा शतरंज खिलाड़ी ने यूरोपीय बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप जीती और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया है। 8 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय स्कूली छात्रा ने यूरोपीय चैंपियनशिप में सुपर टैलेंटेड सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया। उत्तर पश्चिम लंदन के हेडो को रहने वाली बोधना शिवानंदन ने कोविड महामारी लॉकडाउन के दौरान शतरंज खेलने के बाद लगातार जीत के बाद यूरोपीय बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप जीती। कृष्ण बहादुर पाठक और सुशीला चानू पुखराम्बम को 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि शिवेंद्र सिंह को 2023 में उत्कृष्ट कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी भरत कुमार शर्मा को भी सम्मानित किया गया है। शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरकार ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को सौंपने का फैसला किया है। बता दें कि बीते दिनों संसद की सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला सामने आया था, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला किया है। बता दें कि CISF एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो विभिन्न मंत्रालयों की इमारतों, परमाणु ठिकानों, अंतरिक्ष केंद्र के अहम ठिकानों समेत नागरिक एयरपोर्ट्स और दिल्ली मेट्रो की भी सुरक्षा करती है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है नुनू गोलुकुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, बाबूलाल मरांडी, शिवम कुमार पटेल, नौशद राजा, अर्जुन राम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।